नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की प्रसिद्ध राबोड़ी की सब्जी, जिसे कई जगह सरेवड़ी भी कहा जाता है। ये गेहूं के आटे और छाछ से बनाई जाती है और इसको हम इस तरह से तोड़ लेते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं ताकि ये आसानी से भीग जाए। इसमें हम एक लोटा पानी डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से भीग जाए 15-20 मिनट में। इनको भिगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब ये बनाकर तैयार करते हैं इनको तो धूप में बाहर खुले में सुखाते हैं तो थोड़ी बहुत डस्ट लग जाती है, वो हट जाए इसलिए इनको भिगा देते हैं। और अब मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, 1 चम्मच सरसों का तेल चढ़ा दिया है। कढ़ाई को चारों ओर से ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये स्टील की कढ़ाई है, जले नहीं। स्टील बहुत जल्दी गर्म हो जाता है इसलिए लो फ्लेम पर ही हम मसाला तैयार कर रहे हैं। जैसे ही तेल गर्म होता है मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और थोड़ी सी राई डाल दी है। जैसे ही राई और जीरा तड़क जाएंगे तो मैंने 1 चम्मच लहसुन बारीक बारीक काट कर डाला है। लहसुन का फ्लेवर तेल में बहुत ही बढ़िया सब्जी में बनकर आता है, तो आप तेल में ही लहसुन डालिए, कूट कर ना डालें। ये लहसुन जब सुनहरा हो जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा, तब हम इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। ये 2 मीडियम साइज के प्याज और 2 हरी मिर्च मैंने काट ली थी, ये डाल दिए हैं। इनको भी हल्का सा भून लेते हैं और ये भूनते हैं तब तक कुछ मसाले मिला लेते हैं। स्वादानुसार नमक, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 या 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लेंगे। आप मसाले अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। इन्हें पानी से हम घोल लेंगे। इसमें अलग से खटाई डालने के लिए दही टमाटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो राबोड़ी है ये खट्टी ही होती है। ये देखिए हमारे प्याज और हरी मिर्च भुन चुके हैं, तो इसमें जो हमने मसाला घोल कर तैयार किया है वो डाल देते हैं और इसे भी पका लेंगे अच्छे से। जो सब्जी है ये बहुत ही स्वादिष्ट बन कर तैयार होती है और फटाफट से बन भी जाती है। हम राजस्थान के लोग इस तरह की सूखी सब्जी घर में बना कर रखते हैं, पापड़, राबोड़ी, बड़ी, मंगोड़ी, तो ये बहुत काम आती है। घर में कोई हरी सब्जी ना हो तब फटाफट से ये बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये मसाले जैसे ही पक गए तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इतना पानी कि ये राबोड़ी पक जाए। अब इनको अच्छे से धो लेते हैं, जो पानी हमने डाला था उस पानी से एक बार धो के इस पानी को निकाल देते हैं और दूसरा पानी साफ और डालकर एक बार और धो लेते हैं। इस तरह से धोने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुकी है अब 15-20 मिनट में। अब इनको हम पानी निकाल देंगे और चेक करते हैं मसाले। मसाला जो पानी डाला था वो उबल चुका है पानी, तो इसमें सरेवड़ी डाल देते हैं। पानी में उबाल आ जाए तब ही ये सरेवड़ी या राबोड़ी डालनी है और इनको अच्छे से मिला देते हैं। आप चाहो तो कसूरी मेथी या हरा धनिया डाल सकते हो, लेकिन मुझे ये ऐसे ही अच्छी लगती है, बिल्कुल देसी टेस्ट में। ये देखिए जो राबोड़ी की सब्जी है ये बनकर तैयार हो चुकी है बहुत ही जल्दी। बस आप इनको चेक कर लो कि ये बिल्कुल पक चुकी है, कच्ची नहीं रहनी चाहिए, तो चम्मच की सहायता से टूट रही है तो इसका मतलब ये सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। खाने में बहुत ही लजीज सब्जी बनकर तैयार हुई है, बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।